हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करेंगे एसर का एसएओ सीरीज़ का मॉनिटर जो कि SA240Y है। ये 24 इंच का मॉनिटर है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास एक मॉनिटर पड़ा हुआ है जो कि अभी तक ओपन नहीं किया गया है। ये मॉनिटर है एसर का एसएओ सीरीज़ का 24 इंच का मॉनिटर जो कि है SA240Y। ये मॉनिटर ब्लैक कलर का है। तो चलिए सबसे पहले इसको कट करते हैं और थोड़ा मैं देसी जुगाड़ लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक किचन नाइफ यूज़ कर रहा हूँ इसको कट करने के लिए। देन इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस बॉक्स में क्या क्या है अलॉन्ग विथ मॉनिटर एंड क्या क्या एक्सेसरीज यहाँ पे मिलती है। तो आगे देखते हैं। अगर आप देखें तो एसर की जो पैकिंग है वो काफ़ी अच्छी रहती है। मैंने एसर के कई प्रोडक्ट पहले भी यूज़ किए हैं, इवन मेरा लैपटॉप एसर का था पहला वाला, तो उनका जो पैकिंग है बहुत अच्छा रहता है। इवन प्रोडक्ट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये यूज़र गाइड पहले से गिर गई और साथ में HDMI केबल भी। तो आप यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं यूज़र गाइड ये है, तो आप चाहें तो उसे पढ़ लें। देन ये जो मैंने अभी हाथ में पिक किया, ये HDMI केबल है, वीडियो से ऑफ स्क्रीन चला गया। अब ये जो अभी मेरे हाथ में है, ये मॉनिटर का जो है पावर ब्रिक है, 19 वोल्ट का है ये, 1.5 एम्पियर। तो ये आप लैपटॉप के देखने में लैपटॉप के चार्जर्स की तरह ही है, और इवन ये कनेक्ट भी हो जाता है। इसका जो पिन सॉकेट है एसर के लैपटॉप की तरह ही है। और इसके साथ इसके सॉरी गिर गया इसके दूसरे साइड का कनेक्टर जो कि मेंस में लगता है, आप सामने देख सकते हैं पड़ा हुआ है प्लास्टिक में। पावर केबल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये हम देख सकते हैं पावर ब्रिक बहुत अच्छी, पावर केबल बहुत अच्छी क्वालिटी का है। पावर ब्रिक से जो वायर जा रही है मॉनिटर में लगाने के लिए, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, वो पतली वायर है। तो आइए इसको पावर ब्रिक में कनेक्ट करते हैं। और ये कुछ इस तरह दिखेगा आपका पावर ब्रिक में कनेक्ट होने के बाद पावर केबल। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब जो मैंने साइड में HDMI केबल रखा था, मैं उसको भी खोल के दिखा देता हूँ। इस पे ये वायर भी अच्छी क्वालिटी का है, सॉरी ये HDMI नहीं VGA केबल है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं HDMI केबल। ये नॉर्मल HDMI केबल है, क्वालिटी अच्छी है वायर की, बट ये आपको बॉक्स में चीज़ों के साथ मिलेगा। देन फिर आपको ये मिलेगा 3.5 mm मेल टू मेल जैक। सो एक आप मॉनिटर के अंदर लगा सकते हैं, दूसरा साउंड इनपुट के अंदर। तो बेसिकली मॉनिटर में स्पीकर हैं तो उसके लिए। और ये जो छोटा सा पोर्शन है ये एक्चुअली मॉनिटर सेटअप करते हुए लगता है, ये स्टैंड का पोर्शन है। तो नीचे आप देख रहे होंगे थर्माकॉल पे बेस पड़ा हुआ है, उस बेस में ये स्टैंड फिक्स होता है। देन वो पूरा पोर्शन हम मॉनिटर में अटैच करते हैं। तो पहले मुझे स्टैंड खोल लेने दीजिए। आप देख सकते हैं ये जो स्टैंड है उसमें छोटा सा उठा हुआ सेक्शन है, वहाँ पर ये बेस लग जाएगा। और ये जो है स्क्रू है, उसको आप रोटेट करके इसको टाइट कर सकते हैं। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, और उसमें एक हुक दिया हुआ है उसे ऊपर कर दीजिए और घुमा दीजिए। तो ये हो गया। अब हमें ये पोर्शन यहाँ पर जो आप देख सकते हैं थर्माकॉल हटाने के बाद, ये हमारी स्क्रीन है, इसमें बैक साइड में
लगा देना है। ये है हमारी 24 इंच की स्क्रीन, आप देख सकते हैं बेजल बहुत ही कम है इसमें और कितनी थिन भी है, तो वेट भी इसका कम है। अब इसको मैं बैक साइड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ सबसे पहले इसका पावर सप्लाई पोर्ट है, ऑडियो जैक, VGA, देन HDMI। अब इसमें मैं पीछे यहाँ पर स्टैंड का जो सेक्शन है जो हमने असेंबल किया था पहले, उसको मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी लगाने में, इसका एंगल मैंने चेंज करके ट्राई किया, तो इसे मैंने पलट कर सीधे रख कर लगाने की कोशिश की, तो एक गलती हो रही थी मेरे से। अगर आप देखें तो सामने दो स्ट्रेट पॉइंट निकल रहे थे, वो बाहर आ जा रहे थे, आपको यहाँ दिखेगा, आप देख सकते हैं अभी दो स्ट्रेट पॉइंट बाहर निकल रहे थे। इसको मैं निकाल कर फिर से लगाता हूँ तो ये प्रॉपरली सेट हो जाता है, तो आप ये चीज़ नोटिस करें और ये मिस्टेक आप ना करें जो मैंने की है। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम असेंबल कर रहा था, मैंने इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी नहीं चेक की थी, तो फाइनली मैंने इसे कर लिया और ये मेरा मॉनिटर पूरी तरह असेंबल हो गया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट करके चेक कर रहा हूँ, इसके लिए इसमें कुछ ऑप्शन है टिल्टिंग का, तो इसमें थोड़ा सा आप टिल्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्क्रीन थोड़ा सा आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। मीनवाइल मैं इस मॉनिटर में पावर कॉर्ड और HDMI कनेक्ट करता हूँ, तब तक हम जान लेते हैं इस मॉनिटर के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह। तो ये मॉनिटर एक मैट फिनिश स्क्रीन वाला मॉनिटर है, रिफ्लेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं बैक एंड पे लाइट चल रही है बट ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, आपको ब्लरी ब्लरी दिख रहा होगा। तो अभी जो आप सीधी लाइट देख रहे हैं ये कैमरे की फ्लैश की लाइट है, तो इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा। आगे इसके बारे में बात करते हैं, इसका जो स्क्रीन साइज़ है, कहने को 24 इंच है बट ये 23.8 इंच का मॉनिटर है और इसका रेजोल्यूशन फुल HD है, 1920x1080, और इसका रिफ्रेश रेट 75 हर्ट्ज़ का है। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 16:9 है और इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो है 1000:1। इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो 4 मिली सेकेंड का है और ये मॉनिटर 16.7 मिलियन कलर्स सपोर्ट करता है। इसके साथ इसकी जो ब्राइटनेस है वो 250 निट्स है, बैकलाइट इसकी जो है LED है, LED बैकलाइट है ये, और इसका जो व्यूइंग एंगल है ये 178 डिग्री है क्योंकि ये IPS पैनल है। अगर इसको आप साइड से भी देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही दिखेगा जैसा इसको आप सामने से देखेंगे, तो ये जो 178 डिग्री है वो एंगल है, इतने एंगल तक आप देख सकते हैं, इसका कलर चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा दिखेगा। अब बात करते हैं वो जो एडजस्टमेंट आपने देखा था मैंने किया था, तो उसका जो एंगल है जिस पर वो मूव कर सकता है वो 5-15 डिग्री का है, 5-15 डिग्री उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये 26 वाट पावर कंज्यूम करता है। ये जो मेरा मॉनिटर है ये ब्लैक कलर का है, आप देख सकते हैं, तो ये रही इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन। और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपना जो लैपटॉप है वो इसके साथ कनेक्ट कर दिया है और मेरी जो स्क्रीन है आप देख सकते हैं कोई भी रिफ्लेक्शन और कोई भी इश्यू नहीं दिख रहा है। मैंने इसे फ़ोन से रिकॉर्ड किया था तो ये थोड़ा क्लैरिटी कम है वीडियो की, बट ये जो है आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर है और मैं रिकमेंड करूँगा आपको ये मॉनिटर लेने के लिए। आप इस पर गेमिंग भी कर सकते हैं क्योंकि इसका जो रेस्पॉन्स टाइम भी कम है और ये IPS डिस्प्ले है। फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट एंड चीपेस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं बोलना भूल गया, इस मॉनिटर में स्पीकर्स भी हैं, बहुत लाउड नहीं है बट हाँ एक एडिशन। तो ये रहा इस मॉनिटर का रिव्यू, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।